आप सभी का स्वागत है ईआईएस पुजकेशन में। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से इस वक्त यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म वेरिफिकेशन को लेकर क्या रिप्लाई किया जा रहा है, कब तक आपके फॉर्म वेरीफाइड किए जाएंगे और कब तक आपके फॉर्म को वेरीफाइड किया जाएगा और इसके बाद आपके फॉर्म को वेरीफाइड नहीं किया जाएगा, सारी बातें आपको विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राओं के फॉर्म अभी तक डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग है, फॉर्म को वेरीफाइड नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको जो भी करेक्शन का टाइम दिया गया था आपने करेक्शन कर लिया, उसके बावजूद अभी तक आपके स्टेटस अपडेट नहीं किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके स्टेटस अपडेट होने को लेकर बातें कहा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो फॉर्म है वो काफ़ी तेज़ी से वेरीफाइड किए जा रहे हैं। जिनके भी फॉर्म में खासतौर पर आपके 75% अटेंडेंस, आपके इनवायरमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच आ रहे थे, तो उनके जो फॉर्म है वो इस वक्त वेरीफाइड किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि कई सारे जो स्टेटस हैं वो आप लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर किया, तो हमने देखा भी है कि आपके जो फॉर्म है वो वेरीफाइड किए जा रहे हैं। पहले उसमें गलती आ रहा था, एरर आ रहा था, लेकिन अब आपके जो फॉर्म है वो वेरीफाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा कि पहले जो फॉर्म है उसमें एरर था, लेकिन अभी जो स्टेटस है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो चुका है, यानी जो इनका फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड कर दिया गया। इसके साथ ही बात किया जाए कि जिनके फॉर्म लगातार चेक करने के बावजूद, करेक्शन होने के बाद फॉर्म सही है, उसके बावजूद आपके फॉर्म अभी तक वेरीफाइड नहीं किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है, तो जैसा कि हमने आपको कहा भी था कि जिनके भी फॉर्म अभी तक वेरीफाइड नहीं है, तो आप लोग जन सुनवाई की पोर्टल से जाके शिकायत करें। क्योंकि शिकायत करने से होता क्या है कि आपके जो फॉर्म है उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ जो वेरीफिकेशन है वो काम किए जाते हैं, तो यहाँ पे शिकायत करने के बाद से क्या आप लोगों को रिप्लाई किया जा रहा है वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आवेदन था, यानी जो यहाँ पे अप्लाई था वो किया गया था, जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारियों को कहा गया था कि अभी तक जो फॉर्म है वो वेरीफाइड नहीं किया गया, तो रिप्लाई करते हुए समाज कल्याण विभाग से कहा गया है कि महोदय, युक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त डाटा 10 मार्च तक वेरीफाइड कर दिया जाएगा, यानी जिनके फॉर्म बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है और अभी तक आपके फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड नहीं किए गए हैं, तो आपके लिए जो तकरीबन टाइम है वो कहा गया है कि 10 मार्च तक का टाइम है, 10 मार्च से पहले सभी के फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि 10 मार्च के बाद से आपके फॉर्म को वेरीफाइड नहीं भी किया जाएगा। जिनके भी फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हैं या फिर बैंक रिजेक्ट है, अभी तक आप उसमें कोई भी करेक्शन सुधार नहीं करवा रहे हैं, आपने अपने कॉलेज में अप्लीकेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके पूरे तरीके से आपके फॉर्म सही नहीं है, तो फिर आपके फॉर्म को वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके फॉर्म वेरीफाइड 10 मार्च से पहले कर दिया जाएगा, और आपके फॉर्म वेरीफाइड नहीं किया जाएगा तो 10 मार्च के बाद से किसी के भी फॉर्म को वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अभी की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रहा है। हमने भी समाज कल्याण विभाग में बात किया, तो यहाँ पे जो बातें वो कहा जा रहा है कि कई सारे जो टेक्निकल एरर थे वो वेबसाइट पे भी देखने को मिल रहा था, इसके साथ ही वेबसाइट को अपडेट किया गया, धीरे धीरे करके जो स्टेटस है वो अपडेट किया जा रहा है। कई सारे जो आपके इन्वायरमेंट नंबर, रोल नंबर, आपके बैंक वेरिफिकेशन, FSC कोड, इस तरीके के कई सारे मिसमैच थे जिसकी वजह से आपके फॉर्म वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो एक एक करके सभी के जो फॉर्म है वो वेरीफाइड किया जा रहा है। तो आपके अगर फॉर्म अभी तक वेरीफाइड नहीं है तो आप लोग तकरीबन 14 फरवरी तक का इंतजार कीजिए। अगर उसके बावजूद आपके फॉर्म को वेरीफाइड नहीं किया जाता तो एक बार कम से कम आप लोग कंप्लेन जरूर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो फॉर्म है वो वेरीफाइड किया जाए। और ऐसा हर साल देखने को मिलता है कि जिनके द्वारा कंप्लेंट किया जाता है उनके फॉर्म को वेरीफाइड किया जाता है, और यहाँ पे इनके भी जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको एक तो कंप्लेंट कर देना है, दूसरे आपको इंतजार कर लेना 14 फरवरी तक, और अगर आपके 14 फरवरी तक वेरीफाइड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरीफाइड नहीं होता है तो आप लोग शिकायत कर दीजिए। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी हमेशा आपको समय पे सही जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।